हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं जागरण हाईटेक। मेरा नाम है हर्षित। Realme अपने बजट स्मार्टफोन के तो जानी ही जाती है, अब कंपनी ने अपना वायरलेस ईयरबड्स भारत में लॉन्च कर दिया है। इसे आप अगर एक नज़र में देखें तो इसका लुक और डिज़ाइन काफ़ी हद तक एप्पल एयरपॉड्स की तरह ही दिखता है। Realme बड्स एयर को 3999 रुपये कीमत में लॉन्च किया गया है। इसे आप 3 कलर ऑप्शंस येलो, व्हाइट और ब्लैक में खरीद सकते हैं। क्या इस प्राइस रेंज में ये आपके लिए एक परफेक्ट वायरलेस ईयरबड्स हो सकता है? इस ईयरबड्स को पिछले हम 20 दिनों से यूज कर रहे हैं, इसके बाद हम आपके लिए रिव्यू लेकर आए हैं। खासतौर वियरेबल डिवाइस को खरीदने से पहले हम उसके डिजाइन को देखते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट का डिजाइन पसंद आता है तो हम उसे खरीदने का मन बनाते हैं। Realme बड्स एयर का डिज़ाइन एप्पल एयरपॉड्स से रिसेंबल करता है। इसके बॉक्स का वजन भी काफ़ी कम है, तो इसे कहीं भी कैरी करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके बॉक्स के अलावा इसके ईयरबड्स भी हल्के हैं और आसानी से कान में फिट भी हो जाते हैं। ये ड्यूअल चैनल ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी पर काम करता है, इसका मतलब ये है कि इसे आप सेपरेटली वियर कर सकते हैं। इस ईयरबड्स की खास बात यह है कि इसमें जो टच जेस्चर दिया गया है, जिसे आप दो बार टैप करके म्यूजिक प्ले कर सकते हैं या पाउच कर सकते हैं। साथ ही साथ इसे आप दो बार टैप करने के बाद कॉल को आंसर भी कर सकते हैं। इसे आप अगर 3 बार टैप करते हैं तो इसे आप म्यूजिक प्ले करते समय किसी गाने को स्किप कर सकते हैं। इसे 2 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो आप गूगल असिस्टेंट या वॉइस असिस्टेंट को कमांड दे सकते हैं। दोनों ईयरबड्स को एक साथ टैप करने पर आप इसका गेमिंग मोड ऑन कर सकते हैं। आप इसके जरिए हैंड्स फ्री के सारे काम कर सकते हैं। ये ईयरबड्स कान में आसानी से फिट हो जाते हैं, हालांकि आपके मन में रहेगा कि वर्कआउट करते समय या फिर वॉक करते समय कहीं ये गिर न जाए। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, लेकिन सुरक्षा के लिए आप हैवी वर्कआउट या रनिंग करते समय इसे न पहनें। इसकी साउंड क्वालिटी की बात करें तो ये इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। हालांकि जो इसे एप्पल एयरपॉड्स के विकल्प के तौर पर खरीदना चाहते हैं उनको मायूसी हाथ लग सकती है। आप अपने पसंद के गाने इसमें सुन पाएंगे। एक बजट ईयरपॉड्स के तौर पर देखें तो इसमें आपको कई बेहतर साउंड क्वालिटी मिलती है। आप जैज, रॉक, डायनेमिक, क्लासिक, हर तरह के म्यूजिक को क्लियरली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसमें आपको हर बीट स्पष्ट सुनाई देता है। इस बेहतर साउंड क्वालिटी के पीछे इसका 12 nm टेक्नोलॉजी वाला साउंड ड्राइवर है, जो कि जिसके जरिए इसमें बेहतर साउंड प्रोड्यूस होता है। हालांकि तेज साउंड और वॉल्यूम बढ़ाने पर आपको इसकी इतनी बेहतर क्वालिटी नहीं मिलती है। तेज बेस या ट्रेबल पर इससे निकलने वाली साउंड फटने लगती है। हालांकि हाई पिच ऑडियो पर भी आपको उतनी बेहतर साउंड क्वालिटी नहीं मिलेगी जितनी आप इससे उम्मीद करते हैं। इसमें एक और खास वियरर अवेयर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से आप एक भी ईयरबड को कान से निकालते हैं तो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है। ईयरबड्स के बैटरी बैकअप की बात करें तो इसे एक बार फुल चार्ज होने में 1 घंटे का समय लगता है। एक बार अगर आप इसे फुल चार्ज कर लेते हैं तो आप इसे 17 घंटे तक बैटरी बैकअप ले सकते हैं। हालांकि वो बैटरी बैकअप केस का होता है। आप अगर ईयरबड्स के बैटरी बैकअप की बात करें तो वो केवल 3 घंटे ही चलता है। सबसे अच्छी बात यह है कि बजट रेंज में होने के बाद भी आपको यह एक बेहतर साउंड क्वालिटी प्रोड्यूस करता है। यही नहीं, इसका डिज़ाइन भी आपको पसंद आएगा। अगर आप एक महंगे एप्पल एयरपॉड्स को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए यह एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो ये था Realme के नए वियरेबल डिवाइस Realme बड्स एयर का रिव्यू। आपको ये रिव्यू पसंद आया है या नहीं, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो को आप जागरण हाईटेक के अलावा जागरण टीवी और जागरण के फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं, लेकिन सभी वीडियो को देखने के लिए आपको हमारे जागरण हाईटेक चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा।